अपने को साथी वहां पे थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ा और कठिन हो जाए, अगर नापना ही है हमारी हिम्मत को तो कह दो आसमान को थोड़ा और ऊपर हो जाए। ऐसे विधायक श्रीमती अलका राय जी, मंच पर उपस्थित हम सब के गुरु जी आदरणीय विशंकर राय जी, सभा में अलका राय जी को जिता कर भेजने का काम किया था और हम लोग घर घर जाकर वोट मांगने का काम किया था और एक विश्वास दिलाया था कि मोहम्मदाबाद की तकदीर और तस्वीर बदली थी। जिस दिन विधायक जी कुर्सी पर बैठने का काम की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सीएमओ साहब और विधायक जी को कि निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था गाजीपुर जनपद में 17 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे, लेकिन विधायक जी के प्रयास से सिर्फ मोहम्मदाबाद में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हुआ। सीएमओ साहब को भी इस साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से कि इस सरकार से आप लोगों से चाहकर भी मिलना हो रहा है, नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक साथ हम लोग आज संवाद कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां देश में दुनिया में ऐसी खड़ी हो गई हैं जिन परिस्थितियों के कारण से सामान्य तौर पर मिलना जुलना कम हो गया। आया कि सब लोगों के साथ एक साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये ट्रामा सेंटर मेरे सांसद होने के पहले से निर्माण हो रहा था, कुछ अधूरा यहाँ के जी का परम आदरणीय माननीय विधायक मैडम का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा मिलता रहा है और मैं पूरा प्रयास करूँगा। लगभग उनकी शासन से बिक्री स्वीकृति 2.5 करोड़ की हो चुकी है, सामान 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा और मेरा पूरा प्रयास है कि एक आर्थोपेडिक सर्जन, एक जनरल सर्जन और एक फिजिशियन की तैनाती मैं शीघ्र ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ का अस्पताल एक मिनी जिला अस्पताल की तरह है। यहाँ के लोग जैसे बलिया के भी लोग आते हैं और यहाँ ये जिला अस्पताल से बढ़ के ये केंद्र बनेगा। सर, इस सर, बात को मेरे सामने कही सर, सर यहाँ जिला अस्पताल नहीं, यहाँ ट्रामा सेंटर। आप ये नेशनल हाईवे जहाँ जाते हैं उसको आपात चिकित्सा सेवा देने की योजना भारत सरकार की ट्रामा सेंटर की। सर 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 स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। ये ट्रामा सेंटर इस तरह विकसित आप लोगों के आशीर्वाद से होगा कि बिहार से लेके बनारस के बीच में